हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आलू पालक बनाने की रेसिपी। ये आलू पालक इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े साइज के कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को मैंने क्यूब में कट कर लिया है, आपको जैसे आकार रखना हो वैसे रख सकते हैं। इन आलुओं को हम हाई फ्लेम पर गोल्डन फ्राई होने तक भूनेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डार्क करना है, बस हल्की सी एक कोटिंग आ जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये फ्राई हो चुका है, हम इसे बाहर निकाल ले रहे हैं। इन आलुओं को हमें फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा। तो अब हम इसी तेल में 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 1 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और 1 बड़े साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। इसी के साथ 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे और 3 लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये आलू पालक मैं थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने मिर्च डाली है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च को कम डालें। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक करना है। ये देखिए, अब ये हल्का सा पिंक हो चुका है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों को हम लगभग 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे ताकि जो मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। लगभग 30 सेकेंड हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 बड़े साइज का फाइन चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर अभी भी थोड़े थोड़े खड़े से लग रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे। अब ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है। अब हम इसमें 500 ग्राम फ्रेश कटी हुई पालक डाल देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। अब ये पालक बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस पालक को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, नहीं तो अगर हम धीमी आंच पर पकाएंगे तो पालक ओवर कुक हो जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसे ढक देंगे और फिर हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए काफी हद तक ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच गर्म मसाला ऐड कर देंगे। मलाई से इस पालक का टेस्ट बहुत हद तक बदल जाता है, इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही क्रीमी सा होता है। तो अगर आप आलू पालक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मलाई ज़रूर ऐड करें। अब ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा ऑयल नहीं छोड़ देता है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, हमें इसे और ड्राई नहीं करना है। अब ये आलू पालक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।